हिंदुस्तान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दीप पनाश। साड़ियाँ और ब्लाउज आपको मिलेगी, कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ। ब्राइड और ब्राइड मेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दीप पनाश। नमस्कार नुसाप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े एटम पार्क के यहाँ पर, और हम आपको बता दें करीबन 12 बजे जो है यहाँ पर आग लगी थी। एटम पार्क की ये जो जंगल है हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए जंगल में अचानक से आग लग गई और यहाँ के लोगों ने जो है फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया और साथ में पराक्रम पुलिस की टीम आई और फायर ब्रिगेड वालों ने बहुत ही उमदा काम किया यहाँ पर। जब यहाँ के लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने हमें ये बताया कि करीबन 12-15 के अंदर जो है ये दोनों टीम यहाँ पर पहुँच गई, और ये रास्ता जो है साथ में फॉरेस्ट की टीम भी आई, क्योंकि ये रास्ता जो है अटमपाड़ मेन रोड से काफ़ी अंदर है। हमें भी यहाँ पर आने के लिए करीबन 25 से 30 मिनट हमें भी यहाँ पर आने के लिए लगा, क्योंकि ये रास्ता जो है बहुत ही जंगल है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है जैसा पर जो भी लोग काम कर रहे थे यहाँ पर IRBN फायर ब्रिगेड वालों ने हमें ये बताया कि जो उन्हें कॉल आया था ये पता चला कि यहाँ पर जो है आग लगी है। तब ये लोग जब यहाँ पर आकर देखे तो यहाँ पर जो है पेड़ आपस में जो है यहाँ पर जल रही है पेड़। तो ये गर्मियों के पीछे ही हुआ है, क्योंकि ऐसी जगह पर जैसा हमें ये सूचना भी मिली है कि यहाँ पर वैसे भी कोई यहाँ पर आता जाता नहीं है, और देखकर ही लग रहा है कि गर्मियों के कारण ही यहाँ पर जो है आग लगी है। तो गर्मियों के कारण ही यहाँ पर आग लगी है। तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, यहाँ पर जो है आप देखिए यहाँ पर पेड़ की हालत देखिए, अभी भी देखिए वहाँ से धुआं निकल रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा जूम करके दिखाने के लिए कि जैसे हमें ये न्यूज़ प्राप्त हुई उसी समय हम यहाँ पर पहुँचे और हमने देखा कि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो IRBN के पुलिस वाले, पराक्रम की टीम और हमारे फायर सर्विस, जो हमेशा ही जो कहीं भी आग लगती है तो वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और देखिए टीम जो है अभी भी यहाँ पर काम कर रही है, और ये आग अगर यहाँ पर फैलती तो यहाँ से जो है मेन जो बस्ती है, बस्ती तक पहुँचने के लिए काफ़ी दूरी लगती है, लेकिन अगर आग कोई जगह भी लगती है तो वो होल एरिया को कवर करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इससे भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन सही समय पर जो है यहाँ की टीम पहुँच गई और इन लोगों ने बहुत ही उमदा काम किया है। और जैसा हमें यहाँ के लोगों ने भी बताया कि आग लगते साथ ही पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच गई। तो जैसा हम आपको दिखा दें, यहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और फॉरेस्ट की टीम जो लोग आए हैं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी खंडर इलाके में है। हम आपको सिंपल बता दें, यहाँ पर हमें ही खुद आने के लिए काफ़ी यहाँ पर तकलीफें हुई, और ये जो है खाड़ी इलाका है, अटमपाड़ का खाड़ी इलाका इसे कहते हैं। और आग जो है हम आपको दिखाते हैं, देखिए, और ये ऐसा इलाका है ना, यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले जो पानी बुझाने के लिए जो पाइप वो लोग जो यूज़ करते हैं वो भी यहाँ तक मतलब पहुँचा नहीं सकते, क्योंकि इतनी दूर है मेन रोड से, इतनी दूर है ये। और देखिए कि ये लोग जो है कैसे कैसे कर यहाँ पर जो है आग बुझा दिए। यहाँ पर देखिए धुआं तो अभी भी यहाँ पर निकल रहा है।
देखिए अब उस ओर से हम दूसरी ओर की तरफ आए हैं, यहाँ पर भी जो है आग लगी है और आग जो है बुझा दी गई है, लेकिन जो है फायर फाइटर्स की टीम जो है अभी भी यहाँ पर काम कर रही है। तो हम आपको ये बता दें, अंडमान निकोबार फायर सर्विस और IRBN की टीम और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है और इस आग को बुझाने के लिए इन तीनों डिपार्टमेंट में जो है बहुत ही एक उमदा काम किया है, क्योंकि आग जो है यहाँ से लगी थी। देखिए अभी भी कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर है और आग यहाँ से लगकर उस कोने तक गई थी आग, और अभी भी जो है यहाँ पर आग बुझी नहीं है। देखिए आप, यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो जैसा हमने जितना भी हायर यहाँ पर ऑफिसर्स थे, हमने उनसे बातचीत की, तो ऑन कैमरा तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि गर्मी के कारण ही जो है यहाँ पर आग लगी है। और ये जाहिर सी बात है, हमेशा ही होता है कि ऐसे जो भी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो है गर्मी के कारण यहाँ पर आग लगती है, और आग जब वहाँ पर लगती है तो उसे काबू पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके के जब आग लगती है तो इसे काबू पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, ऐसा होकर जो है पूरा जो जंगल होता है वो नाश हो जाता है, वो पूरा जंगल जो है तबाह हो जाता है। और ऐसा हम आए दिन जो है नेशनल मीडिया में देखते रहते हैं, और ऐसा जो है काफ़ी बार अंडमान निकोबार में भी हो चुका है, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा हाल यहाँ पर हुआ है। तो न्यूज़ आप तक के द्वारा हम जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो आपको दिखा रहे हैं, और कैसे बहादुरी से ये तीन डिपार्टमेंट जिनका हमने नाम लिया है ये लोग यहाँ पर काम करें। देखिए, और यहाँ के जो पब्लिक है उन लोगों ने भी जो है साथ दिए है, जहाँ तक हमें पता चला है। देखिए बच्चे जो है खुद उतर कर आए, अपने घर से बाल्टियाँ लाए हैं, ताकि ये जो खाड़ी इलाका है यहाँ से ही पानी लेकर जो है आग को बुझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाइप आना काफ़ी मुश्किल है। जो मेन रोड है वहाँ से काफ़ी अंदर है, यहाँ पर आने के लिए करीबन 25 से 30 मिनट लगेगा। और खाड़ी इलाका में देखिए कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है उतर कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये तीनों डिपार्टमेंट वाले जो है काबिले तारीफ काम कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि इन्हें देखकर जो और भी जो लोग हैं वो भी इसी तरह काम करें। देखिए जब ये लोग जो है सही काम करते हैं, हम बराबर दिखाते हैं, जब इनसे गलतियां होती हैं तो गलतियां भी हम दिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा ही जो है इनकी बुराई करते हैं। देखिए बुराई अच्छाई, जब जो चीज़ अच्छा होगा हम अच्छा दिखाएंगे, जब जो चीज़ बुरा होगा हम बुरा दिखाएंगे, और सच दिखाना ही हमारा काम है। वैसे हम लोगों ने ही खुद इतना जो है लंबी दूरी तय करके यहाँ तक हम आए, क्यों, हम देखना चाहते थे कि आखिर यहाँ पर आग लगी है लेकिन ये लोग कैसे यहाँ पर आग बुझा रहे हैं, क्योंकि बस्ती वालों ने हमसे कहा कि वहाँ तक जो है पाइप नहीं पहुँचेगी। लेकिन जो तीन डिपार्टमेंट का हम नाम लिए, लास्ट में फिर हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जो है एक जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा जो है आज यहाँ पर बहुत बड़ी जो आग लग सकती थी। तो हमारे साथ अटमपाड़ में रहने वाले एक व्यक्ति खड़े हैं, उनसे हम जानेंगे आज के हादसे के बारे में। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद सिंह है जी, मैं बिरसा नगर अटमपाड़ में रहता हूँ। आज का जो घटना है, ये दिन के करीब 12 बजे के वक्त ये घटना, और इनके ये आग बुझाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, IRB और हमारे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, उनका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक मुद्दा है कि ये हमेशा ये हो रहा है जी, घड़ी घड़ी हो रहा है, इससे पहले भी ये हो चुका है, ये आग इस तरह आग लग चुकी है, इससे पहले भी लगा हुआ है एक बार, तब भी फायर ब्रिगेड आके ही बुझाया था, गाड़ी नहीं पहुंच रहा था, तब भी वो लोग बहुत मेहनत से पाइप वाइप जॉइंट करे, कुछ हमारे बस्ती के
युवा लोग भी साथ दिए। आज जो हुआ है ना आज को उसमें ये तो दिखाई दिया कि बच्चे जो है आपके बस्ती के जो है बच्चे वहाँ पर आए अपने घर से बाल्टी लेकर जो है वहाँ पाड़ी है तो खाड़ी कितना डेंजरस है आपको पता है। और अभी की समय में अभी जो है सारा जगह खाड़ी में जो है मगरमच्छ निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट IRBN वाले और अंडमान निकोबार फायर सर्विस वाले ये लोग अपना जान में जोखिम डालकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये होता कैसे है? सर मेरा तो एक ही मानना है, सबसे मेन चीज़ है मुद्दा एंक्रोचमेंट, एंक्रोचमेंट का पीछे ही ये हो रहा है, नहीं तो कैसा लगेगा आप सोचिए। इससे पहले भी जो लगा था वो एंक्रोचमेंट था। और सुनने में आया ये रेवेन्यू लैंड है। रेवेन्यू लैंड तो है बोलते सर, लेकिन अभी तक किसी को कुछ वहाँ आता पता नहीं है किसका नाम में है क्या है कुछ नहीं। आदमी को जगह मिलता है आदमी आके बैठते है। आज के डेट में आप कमेटी हॉल से नीचे चले जाइए वहाँ में आपको यहाँ का लोकल कोई भी बंगाली नहीं मिलेगा। कहाँ के बंगाली है? वेस्ट बंगाल। हम लोग यहाँ में 2004 से आए हुए हैं, हम लोग आज तक एक घर छोड़कर कुछ ज़मीन नहीं है। ये वो तो देखकर ही लग रहा है। अभी हम लोग भी सर हम लोग भी शादीशुदा है, बाल बच्चे है, हम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग पूछे थे वहाँ में हम लोग को ग्राउंड चाहिए तो बोला ठीक है ग्राउंड इशू करेगा। कौन सा ग्राउंड? कुछ ग्राउंड नहीं, सब इंक्रोचमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो है ये आग लगने के कारण मतलब आपके ये कहना है कहीं ना कहीं जो है आग लगी नहीं जाती, आग को लगाया जाता है इंक्रोचमेंट के लिए। ओहो, जगह सफाई करना है, इंक्रोचमेंट करना है, मेन मुद्दा वही है। और हम तो ये कह रहे हैं ना सर कि कम से कम आरआई पटवारी आके थोड़ा इंक्वायरी करे, क्योंकि अभी जब हम वहाँ पर गए ना ये तीन डिपार्टमेंट को छोड़ कर ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है जैसा आरआई पटवारी का आपने नाम लिया ना कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। उसी का तो सर कम से कम आके इंक्वायरी करे, जो बैठे हैं आके उठको उठवाए, क्यों हो रहा है ये सब बेमतलब का। अगर इसे जैसा आपने जो भी बताया अगर इसे रोका ना गया ना तो आपके घर देखिए वहाँ से नज़दीक है और पेड़ पर जब आग लगती है ये चीज़ मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा क्योंकि आपने यहाँ पर पहले भी देखा है आग लगा वाला। जी सही बात है सर, अभी घर में हम नहीं है, मेरा फादर है बुजुर्ग है, घर में सिलेंडर पड़ा हुआ है, वो सिलेंडर उठाएगा सामान करेगा क्या करेगा बताइए। तो इसके लिए थोड़ा सोचना, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि ये दोबारा गलती ना हो। और आज के जो हुआ है देखिए आप जैसा बता ही रहे हम लोग भी देखे ही है कि फायर विकेट सब वाले लोग IRBN जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोगों को क्या जरूरत है इतना तकलीफ करने का, बल्कि वहाँ पर जो है पाइप भी नहीं पहुँच रही है, बाल्टी पर उठाकर वो लोग जो है आग बुझा रहे हैं समुंदर का पानी के ले लेके। जी ना कुआं है ना कुछ नहीं, समुंदर का पानी को ले लेके। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि दोबारा ये गलती ना हो, थोड़ा सा जोर करे आरआई पटवारी जो भी है थोड़ा आके इंक्वायरी करे ना कि ये कर कौन रहा है, इंक्रोचमेंट कर कौन रहा है, क्या मतलब है करने का। अगर इंक्रोचमेंट करता वाला देखने तो उनके ऊपर कुछ एक्शन लीजिए। आप एक्शन ही नहीं लेते, आदमी तो बनाते घर बना देता, आदमी स्टे लेके रख लेता। सही बात है, देखिए आपने जो भी हमसे बात शेयर की है और ये जो है प्रशासन को भी इसमें सोचना चाहिए क्योंकि आखिर हर जगह ऐसा ही कुछ होता है और आज हमें भी यहाँ पर ऐसा देखने मिला। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जैसा हमने नाम लिया ये डिपार्टमेंट वाले जो है ये अपना जान पे खेल कर जो है अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन माजर यहाँ पर और ही कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि ऐसे जो है आग लगती नहीं है, यहाँ पर लगाई जाती है। राइट सर, एकदम सही मुद्दे। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसा जो यहाँ पर लोग जो एंक्रोच करके रखे हैं प्लीज़ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम यहाँ पर आए हमें देखकर बहुत ही शर्मनाक ये बात है क्योंकि तीन डिपार्टमेंट को छोड़कर एक भी और बस्ती वाले को छोड़कर और RI पटवारी एक्सेट्रा कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, बल्कि ये सुनने में ये आ रहा है ये रेवेन्यू लैंड है, उसके बावजूद भी आखिर क्यों इतनी नज़रअंदाजी क्यों हो रही है, बस यही हम कहना चाहते हैं। और तो ऐसे ही न्यूज़ के साथ हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन महेश नारायण के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।